लोगों ने? आप लोगों ने दादी को जाने कैसे दिया? आई मीन अगर उन्हें रास्ते में कुछ हो जाए, अभी को देख के कुछ हो जाए तो? हाँ तो तू समझा लेती ना उन्हें, जब बीजी थी यहाँ पे तब तो तू थी नहीं यहाँ पे, अब लेक्चर झाड़ रही है। तू ना अपने काम से बस काम रखा कर, समझी? मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है तनु, और तुम भूल के इंदुदासी क्या कह रही थी? तुम्हें खुद तो किसी की परवाह है नहीं, और कोई दूसरा किसी और की परवाह कर ले तो तुम्हें उससे परेशानी हो जाती है। वो लो आलिया आ गई। अरे आलिया आ गई। आलिया, अरे वहाँ सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? प्रज्ञा का जहर निकाला कि नहीं डॉक्टर ने? वो मरी तो नहीं? चुप कर तू, मरने मारने की बात मत कर। भाई ठीक है, he is out of danger now. और प्रज्ञा कैसी है? क्या मम्मी जी, प्रज्ञा ठीक ही होगी ना? आलिया ने बताया तो कि अभी आउट ऑफ डेंजर है, तो फिर प्रज्ञा को भी कुछ नहीं होगा। मैं थक चुकी हूँ, मैं मुझे थोड़ा काम है। अरे आलिया मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दे। आलिया तूने अभी के बारे में तो बता दिया, प्रज्ञा के बारे में तो बता, वो कैसी है? अरे कैसी है कैसी है, क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे ताऊ जी? हद हो गई आप लोगों की। क्या लगती है वो आपकी? मुन्नी है वो मुन्नी, कोई प्रज्ञा नहीं है। उसकी वजह से भाई वहां पर पड़े हुए, और आप लोग पूछ रहे कि वो कैसे है, वो कैसे है। And stop taking her name in front of me. मत बुलाइए इसे प्रज्ञा मेरे सामने। शांत हो जाओ, ये सब छोड़ो, चलो मेरे से। एक मिनट, वो कहाँ है? वो भाई की सेक्रेटरी कहाँ पर है? वो तो चली गई थी जब तुम गई थी ना, उसके थोड़ी देर बाद वो भी चली गई। चली गई का मतलब है कहाँ चली गई? अब वो मुझे क्या पता? सब कोई काम नहीं आता यहाँ पर, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। ये तो होना ही था, क्योंकि ऐसा होना लिखा था। हर इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है, पर तेरी किस्मत मैंने लिखी थी, और उसमें मौत लिखी थी। तूने मुझे मेरे किसी अपने से अलग किया, जिसके बिना मैं सांस नहीं ले सकती थी, उसे मुझसे छीन लिया। तेरी वजह से मैं जिंदा होकर भी मर रही थी, तो फिर तू कैसे जिंदा रह सकता था? मैं चाहती तो तुझे और तड़पा तड़पा कर मार सकती थी, जैसे मैं तड़पी मेरे पति के बिना। आज मेरा बदला पूरा हुआ और मुझे इंसाफ मिल गया।